ही वो बंधन है जिसने समाज को बांध रखा है, वरना अब तक कभी का तार तार बिखर गया होता है। ये बात कि नहीं बोलो। बोले क्या खाक दादा, तुम्हारे दलील के बम गोले ने हमारा बना बनाया महल ढा दिया। विजय ये हंसी की बात नहीं, समझे? तुम कॉलेज के छोकरे विलायती फिलासफरों की दो चार बातें क्या सीख जाते हो कि रस्ता तोड़ाकर भागने लगते हो, पुराने रीत रिवाजों को तोड़कर आजाद ख्याल बन बैठते हो। भाई दादा की ना कहो, ये कॉलेज में पढ़ने नहीं आए, तपस्या करने आए हैं। पूरे 11 साल बीए क्लास में समाधि लगा चुके हैं और अब भी वहीं डटे हुए हैं। हम लोग तो किस खेत की मूली हैं, नए नए प्रोफेसर इन्हें आता देखकर हुक्का चिलम बगल में छुपा लेते हैं। जगदीश तुम्हें हमेशा हंसी ही सूझती है। विजय देखता हूं तुम दिन ब दिन नास्तिक होते जाते हो। धर्म आचार विचार महात्माओं के कौल तुम्हारे नजदीक बिल्कुल बेमानी, जैसे जैसे ऊंट की दुम। चुप रहो। शायद तुम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं कि ब्याह एक पवित्र संस्था, एक पाक रिश्ता है। जी नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? क्या मैं भी पूछ सकता हूं कि आप किस पवित्र संस्था, इस पाक रिश्ते की क्या असलियत है? ये वो रिश्ता है जो इंसान को भगवान से वरदान की सूरत में मिला है और जिसने समाज को प्रेम के बंधन में बांध रखा है। ब्याह ने समाज को बांध रखा है। मेरा विश्वास है कि समाज जो कुछ भी बंधा हुआ है वो सिर्फ प्रेम से, न कि आदमी के बनाए हुए ब्याह जैसे बंधन से। बाबू साहब प्रेम और विवाह का चोली दामन का साथ है, ये भी तुम्हें समझाना पड़ेगा। दादा चोली दामन के संबंध को तो आप ही जाने। हाँ अगर आप ये साबित कर दें कि विवाह के साथ प्रेम का होना लाजमी है तो मैं कायल हो जाऊंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? ब्याह हो जाने पर यह जरूरी नहीं कि प्रेम का रिश्ता भी कायम हो गया। जीवन मरण की तरह प्रेम अपने बस की बात नहीं, वो भगवान की देन है। सच मालूम होता है आपने प्रेम नगर की गलियों की खूब खाक छानी है। दादा इन गलियों की खाक बड़े बड़े नगर हूं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिना प्रेम के ब्याह हैवानियत है, घोर नरक। बहुत बड़बड़ के बोल रहे हो विजय। बाप रुपया छोड़ मरे है ना, और आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए समझते हो कि तुम समाज के बंधनों से आजाद हो। जगदीश मैं चलता हूं।
कल रात के बारे में मत भूलना। नहीं, तुम भी अपना वादा पूरा करना। जरूर, मुझे रात को घूमना बड़ा भला मालूम होता है। ये दो किताबें लिए जा रहा हूं। ले जाओ, तुम्हें पसंद आएंगी। नमस्ते दादा। जाओ जहन्नुम में। जगदीश, अगर ये जल्द ही अपना सर्वनाश ना कर ले तो मुझे लोकनाथ ना कहना। अरे नहीं भाई, मुंह से कुछ कहा करे पर मन का खोटा नहीं। क्या कहते हो, जो मन में होता है वही मुंह पर आता है। जिसका कौल बुरा उसका फेल बुरा। जब दिल से धर्म का, समाज का, विवाह का विश्वास ही जाता रहा तो बाकी क्या रहा। मैं कहता हूं इन बाबू साहब का प्रेम इन्हें ले डूबेगा, और क्या अजब है कि ले ही डूबा हो। नहीं दादा, विजय मेरा दोस्त है, बचपन से साथ रहा है। मैं उसे ना जानूंगा तो और कौन जानेगा। जिस दिन विजय नेकी छोड़ देगा तो याद रखिए, उस दिन जगदीश विजय को छोड़ देगा। जगदीश, शायद तुमने इस बात को नहीं देखा, विजय दिन ब दिन बागी होता जा रहा है। ऐसे लोग हम तुम जैसों को भी बहका देते हैं। अब हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। दादा, तुम्हें तो वहम हो गया है। अच्छा, कल रात को क्या करने वाले हो तुम दोनों, और वो क्या वादा है जिसकी तुमने विजय को याद दिलाई? दादा, मैंने कहा ना था तुम्हें वहम हो गया है। सुनो, विजय की जमींदारी से कुछ बहुत बढ़िया आम आए हैं, और उसने मुझे कल रात को आम खाने की दावत दी है। रही वादे की बात, सो रात को अकेले घर आना मुझे बुरा मालूम होता है, इसलिए खाने के बाद वो मुझे घर तक पहुंचा जाएगा। बस, सारा शहर सो रहा है। इस सुनसान रात में इस तरह सैर करते हुए चलना कितना भला मालूम होता है। नहीं, लेकिन शर्त यह है कि मन का मीत साथ हो। क्यों नहीं, प्रेम के पुजारी हो ना। लेकिन कोयल की जगह कौवा, यानी मृग नैनी की जगह मृग नैना हो तब। क्या मजाक है, दोस्त महबूब नहीं होता। दोस्ती भी क्या चीज है, बात बात पर बहस मुबासा, बात में बात लड़ाई झगड़ा, और मोहब्बत बरकरार, प्रेम अटल। हमारी ही दोस्ती को देखो, क्या ये कभी टूट सकती है? बचा बचा, मुझे उस आदमी से बचा। क्या बात है? मैं उसके घर से भाग के आई हूँ। ओ, तुम उसकी औरत हो? समझा, शहर में दूसरी कोई जगह है जहां तुम जा सकती हो? नहीं, दुनिया में मेरा कोई नहीं। विजय, किस दलदल में फंस गए? चलो यहाँ से। इस बेचारी को इस हालत में छोड़कर कैसे चले जाए? देखती नहीं हो, आवारा औरत है। मुमकिन है, लेकिन क्या आवारा औरत की मदद करना भी बुराई है? मेरा ख्याल है थाने चले, वहां तुम सब बातें साफ साफ कहकर पुलिस से हिफाजत की दरखास्त करना। ये सबसे अच्छी तरकीब है। मैं थाने नहीं जाऊंगी, उससे तो मौत अच्छी। माफ कीजिए। ठहरो, हम तुम्हें थाने नहीं ले जाएंगे। तुम मेरे मकान पर चलो, मेरा घर खाली पड़ा है, घबराओ मत। विजय, ये क्या पागलपन है? चलती हो? नहीं तो इस वक्त कहां जाओगी? तुम्हारे लिए तो और कोई जगह है नहीं। मेरा घर है, वहां चाहो तो तुम्हें आश्रय मिल सकता है। फिर जब जी चाहे चली जाना। बोलो, चलती हो? आओ जगदीश। मैं अपना दामन मैला नहीं करना चाहता। तुम अपनी राह जाओ, मैं अपनी राह जाऊंगा। चलो। पासी घर है, जल्द पहुंच जाएंगे। एक बरस हुआ होगा कि मेरे माता पिता मर गए, और मुझ छत पर मुंडेर के पीछे से एक आदमी मुझसे बातचीत किया करता था। वो भी मुझे नेक मालूम होता था। उसे हमदर्द समझकर उसके सामने मैं अपना दुखड़ा रो दिया करती थी। इधर मेरा बहनोई
अब बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गया था और मैं हैरान थी कि अब क्या करूं, कहां जाऊं। सवेरे मैं छत पर बैठी रो रही थी तो उस आदमी ने मुझसे कहा, मेरे साथ भाग चलो, मैं तुमसे ब्याह कर लूंगा। छुटकारा पाने की आशा में मैं राजी हो गई और तब चलो अंदर चलो। मकान किराए पर लिया है अपने लिए, लेकिन आपने कहा था कि ओ ब्याह का सामान तैयार रहेगा। जी रोहित जी ने सब इंतजाम कर रखा है, बस उन्हें बुलाने की देर है, और जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जी डरो मत, मैं अभी बुला के लाता हूँ। यही मेरे दुख की कहानी है, अब आप मेरे लिए जो फैसला करें मुझे मंजूर है। ताज्जुब है तुम्हारी जैसी लड़की मेरे देखने में नहीं आई, एकाएक विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता तो फिर अब मेरे लिए एक ही रास्ता है। नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं, मुझे विश्वास है लेकिन समाज को ना होगा। खैर कुछ परवाह नहीं, तुम अपनी नजर में सच्ची हो तो मेरी नजर में भी सच्ची हो। तुम मेरे घर नौकरानी बनकर नहीं मेहमान बनकर रहोगी इज्जत के साथ। वो मेरे सोने का कमरा है, आज से वो तुम्हारा हुआ। ये ना। क्या कहा था हमने भैया, कलयुग सही मगर हम बिना पूजा पाठ किए दाना मुंह में नहीं डालते। जो बात मुंह से निकल गई पत्थर की लकीर हो गई। दादा ये मैं मानता हूं कि उस औरत को घर ले जाकर विजय ने बड़ी गलती की, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि वो उसे किसी बुरी नीयत से नहीं ले गया। हां जी वो तो उसे देवी मान के पूजेंगे,
एक वही तो दुखियों की मदद करने वाले पैदा हुए। ऐसे बहुत देख चुका हूं भैया, फर्क बस इतना है कि और लोग छुपे छुपे ऐब करते हैं, विजय खुले खजाने। बेहयाई की हद हो गई। हो विजय, आप कहां से आ गए गुलफाम? हमने तो सुना था कि कल रात आप एक सब्ज परी के साथ उड़ान भर गए। अच्छा, जगदीश बाबू ने आपके दरबार में मामला पेश भी कर दिया? देवी जी का कुछ और भी हाल मालूम हुआ? जी हाँ, वो एक भले घर की लड़की है, अपने बहनों की बुरी नजर से परेशान थी। एक बदमाश ब्याह के बहाने उन्हें भगा ले गया। और आप छुड़ा लाए? जी नहीं, उस पाजी के पंजे से वो खुद भागकर आपके हाथ आ गई। खूब, लड़की का चाल चलन कैसा ही हो मगर समझ अच्छी है। फांसा भी तो एक मोटी मुर्गी को। वो तो खैर हो गई दादा, तुम पर नजर न पड़ी, वरना तुम्हारे सामने किस मोटी मुर्गे की दाल गलती। खैर अब जाता हूँ। ठहरो यार, कहाँ चले इतनी जल्दी? घर को। हाँ ठीक, अब घर से बाहर रहना मुश्किल है। तो देवी जी तुम्हारे साथ ही रहेंगी ना? ठीक, तुम भी अकेले वो भी अकेली, तुम समाज से बागी वो समाज की दुश्मन। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। सुनो विजय, उसे किसी आश्रम में क्यों नहीं भेज देते? जगदीश, मैंने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया है। इस हालत में जब तक कि वो खुद जाना पसंद न करें, मैं कहीं नहीं भेज सकता। विजय, तुम जानते हो घर से भागी हुई औरत के लिए समाज में जगह नहीं। लेकिन मेरे घर में है, वो अधर्म से बचने के लिए घर से भागी थी, न कि अधर्म में पड़ने के लिए। बागी, लेकिन समाज इसको नहीं मानता। मैं मजबूर हूं, समाज के न्याय के आगे सर झुकाने को तैयार हूं, लेकिन अन्याय के आगे नहीं। विजय, अगर तुम इस तरह समाज के खिलाफ चलते रहे तो हमारी और तुम्हारी दोस्ती क्यों कर निभेगी? जगदीश, इंसाफ पर मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं, जरूरत पड़े तो दोस्ती भी। खड़ी हो चुपचाप। ओहो, इतनी मिठाइयां, ये सब बनाना तुमने किससे सीखा जमना? मां से? क्यों, मां की याद आ गई? अच्छा भाई, मैं इतना खाऊंगा कैसे? मैं भूखा सही मगर काल का मारा नहीं। जी कुछ खाते तो है नहीं? जी बिल्कुल नहीं। सच जमना, पहले मैं पेट भरता था, अब खाता हूँ। तुम इतना अच्छा बनाती हो। मेरे बड़े भाग, खाइए। बैठो, तुम भी खाओ। पहले आप खा लीजिए, जो बचेगा मैं खा लूंगी। क्या मेरा झूठा? नामुमकिन। आज ही नई बात क्या हो गई? क्या रोज ही ऐसा करती हो? जमना, ये नहीं हो सकता। ये मेरा सौभाग्य है, इसे आप न छीनिए। ओह, इन्हें तो भूल ही गया था। पसंद करो, आज ही जौहरी के यहां से लाया हूं। मेरे लिए? नहीं, अपने लिए। देखो ये इयररिंग इस दाग के पास कितना भला मालूम होता है। चंदा में भी तो दाग है।
ठीक, तो कुछ नथनी और पाजेब वगैरह मेरे लिए पसंद कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं, उस दिन कपड़ों की भरमार कर दी थी और आज जेवरों का बाजार लगा दिया है? भाई हमने सुना है जैसे फूल को खुशबू और रंगत, वैसे स्त्री को गुण और सिंगार। गुण तुम में है ही, अब सिंगार? नहीं 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 तो नहीं सही। तुम गहने कपड़े की हड़ताल करो, मैं खाने पीने की। तुम खानों का ढेर लगाती जाओ, मैं गहनों का। देखे कौन जीतता है, जौहरी या हलवाई। हंसो मत, लखन झड़ते हैं। पसंद करो। नहीं। फिर भाई पसंद करो। नहीं मानते तो जो आप पसंद करें वो ही मुझे पसंद है। तो मुझे तो सब पसंद है, बोलो सब ले लें। नहीं 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 तो पसंद कर लो जो चाहिए। मैं जरा बाजार हुआ हूँ। फिर बाजार? मुझे अब कुछ ना चाहिए, इसीलिए बाजार जा रहा हूँ। दामन मैला नहीं करना चाहता, तुम अपनी राह जाओ, मैं अपनी राह जाऊंगा। Yeah.
तुम्हारे लिए लाया हूं। देखो गुब्बारा, उड़ाओ तो बन जाओ आकाश का तारा, मगर देखो पर न लग जाए। ये वक्त है चमन की क्यारी, फूल जिनकी रंगत और खुशबू न्यारी। अरे हंसती क्यों? कितना प्यारा है मुन्ना सा। तो आपको सब चीजों में पिल्ला पसंद आया? लो शाबाश, देखो तो कैसे भले मालूम होते हैं, रंगत फूल ही पर खिलती है। विजय, ओ जगदीश, आज एक मुद्दत बाद देखा है तुम्हें, आओ बैठो। हाँ, मिले हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए, तुमने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया और क्लब में भी कभी नहीं आते। जी नहीं चाहता, जब हीरा मिल जाए तो पत्थर की खोज क्यों करें? विजय तुम मेरे दोस्त हो, भाई से भी ज्यादा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो विजय? क्या कर रहा हूँ भाई? अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, लेकिन अब भी समय है पलटने का। मेरे लिए अब पलटने का समय नहीं रहा जगदीश। ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कुछ भी कहा करो लेकिन दिल तुम्हारा पाक है। जरूर। तब विजय तुम जानते हो, पानी कीच में मिल जाए तब भी उसे साफ करके निकाला जा सकता है। ठीक है, मगर तुम एक बात भूलते हो जगदीश, मैं भी अब कीच हूँ। क्या मतलब? यही कि मैं अब दिलो जान से उनका हूँ। तब तुम क्या करना चाहते हो? उससे ब्याह? विजय, सबने तुम्हें छोड़ दिया, मैंने अब तक तुम्हारा साथ दिया है, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो आज से मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। घर में हो? आओ दादा। यहां अंधेरे में क्यों बैठे हुए थे भले आदमी? यूं ही घर से कोई ऐसी वैसी खबर तो नहीं आ गई? नहीं नहीं, घर पर सब खैरियत है। खत आया था। शुक्र है, मुझे तुम्हारी तरफ से बड़ी चिंता थी, ना तुम आज कॉलेज में आए और ना कलम में ही दिखाई दिए। फिर जाने का इरादा है? अब कभी नहीं। दिल टूट रहा था लेकिन मजबूरन विजय से आखिरी विदा लेनी पड़ी। बहुत अच्छा किया, वो समझता है कि उसे उस औरत से प्रेम है। सुना नहीं था, ब्याह कुछ नहीं, प्रेम ही सब कुछ है। अगर तुम उसके पिता भी होते तो भी वो ऐसी ही बेरुखी से पेश आता। मुझे विजय से ऐसी उम्मीद न थी कि वो इस तरह मेरी बात को ठुकरा देगा। विजय मेरा भी दोस्त था और मैं जो उसे आड़े हाथों ले रहा था वो इसीलिए कि मैं उसके चलन देखकर डर रहा था कि वो जरूर ऐसी ठोकर खा जाएगा। ये उसके भाग्य में बदा था। हम तुम क्या कर सकते थे? विजय भी चाहता तो कुछ ना कर सकता। आज उसके घर जाते वक्त मुझे कुछ उम्मीद थी कि वो औरत जिस तरह पहले घर से भागी फिर एक आदमी के पास से, उसी तरह शायद अब तक विजय को छोड़कर भाग गई होगी। लेकिन क्या बच्चों की सी बातें करते हो जगदीश? वो एक घुटी रकम है,
वो जानती है कि विजय जैसी मोटी मुर्गी रोज रोज हाथ नहीं लगती। वो जब तक विजय का एक एक बूंद खून न चूस लेगी, किसी दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी ना देखेगी। जमुना, अपने मोती को संभालो, सोने नहीं देता। समझा, क्योंकि मैं लाया हूं इसलिए मैं ही संभालूंगा, है ना? आ भाई, लेकिन चुपचाप सो जा। अगर रोया चिल्लाया तो जमुना से कह दूंगा तुझे दो रोज तक खाना न दे, समझा? हुजूर, मेरा कसूर नहीं, मैं आपके मकान के सामने से गुजर रहा था कि यह दरवाजे में से भाग के मेरी मोटर के सामने आ गिरी। हुजूर, आप बचाए तो बचूं, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं हुजूर। घबराओ मत, जाओ। जमुना, मैं नहीं समझता था तुम इतनी नादानी कर बैठोगी। भगवान, मुझे क्यों बचा लिया? मेरी खातिर? नहीं नहीं, मेरे जीने से आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं जमुना, तुम्हारा प्रेम मेरी रक्षा करेगा। मैं तो आपके जीवन में अचानक आ गई हूँ, लेकिन आपके बचपन के दोस्त जो आपको छोड़ देंगे, उनके नजदीक तो मैं आवारा हूं। उनकी नासमझी की वजह से हम क्यों दुख झेलें? खैर, जब तुम अच्छी हो जाओगी तब इस बारे में बातचीत करेंगे। लो, अब आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो और जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। एक दफा फिर काम करते हुए देखकर जी बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा यही एक तरीका है जिससे मैं भूल सकता हूं। किसे? विजय को? समाज के लिए विजय अब मर चुका, और हमारे तुम्हारे लिए भी। कैसे मिजाज है दादा? ये खूब हुआ तुम भी यहीं मिल गए। जगदीश, तुमने उस रोज पूछा था मैं ब्याह करूंगा या नहीं, आज मैं उसका जवाब देने आया हूं, करूंगा। मेरा नाते रिश्ते का कोई नहीं, और दोस्तों में भी सिर्फ तुम ही दोनों हो।
उम्मीद करता हूं तुम और दादा जरूर शामिल होगे। जरूर, बड़ी खुशी की बात है कि तुमने ब्याह करके एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया है। देखता हूं कि कन्या के पिता का स्वर्गवास हो चुका है, कोई हर्ज नहीं। इस बात की तो तुमने अच्छी तरह छानबीन कर ही ली होगी कि जिस खानदान में तुम ब्याह कर रहे हो वो हर तरह तुम्हारे लायक है। दादा, वो लड़की जो कुछ दिनों से मेरे आश्रय में रहती है ना, उसी से ब्याह कर रहा हूं। हैं? तो क्या तुम उस कुल्टा से ब्याह कर रहे हो? और मैं कह चुका हूं, उन्होंने जो कुछ किया पाप से बचने के लिए, न कि पाप में पड़ने के लिए। और मैं भी कह चुका हूं कि समाज इस बात को नहीं मानता। तुम्हारी नाक तो कट ही गई, अब तुम समाज की नाक भी काटना चाहते हो। मुझे ताज्जुब है कि तुमने इस ब्याह में मुझे और जगदीश को बुलाने की हिम्मत की। दादा, अगर मैं इस विवाह को हर तरह पवित्र न समझता तो तुम लोगों को बुलाने ना आता। जगदीश, तुम जो जाना चाहे जाए, मगर मैं इस गंदगी में ना फंसूंगा। जो समाज का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। जगदीश, विजय, हमारा तुम्हारा नाता टूट चुका। जगदीश, हमारी दोस्ती वो कागज का टुकड़ा नहीं। हम चाहे या न चाहे, दोस्ती कायम है। दादा, आज इतने सवेरे? मैं ये जानने को बेचैन था कि कल रात तुम विजय के ब्याह में शामिल हुए या नहीं। नहीं तो? मैं गया था। वाह, तुम्ही ने तो तय किया था कि ना जाएंगे। कितनी बार जी में आया कि जाऊं और कम से कम ब्याह देख तो लूं, मगर मन महसूस कर रह गया। रात एक पल नींद ना आई, इसीलिए तो आज इतनी देर से उठा हूं। पागल मत बनो, क्या तुम समझते हो कि मैं ब्याह में शामिल होने गया था? मैं तो बाहर से ताक झांक करता रहा कि ब्याह हो भी रहा है या नहीं। अच्छा, क्या देखा? ब्याह हुआ, शहनाई भी बजी, ठीक लग्न पर। खैर, मुझे खुशी है कि ब्याह हुआ तो सही। खाक हुआ, भला ऐसा ब्याह भी ब्याह होता है? समाज एक कुल त्यागनी के साथ ब्याह को हरगिज ब्याह न मानेगा। सुबह होते ना होते ये मालूम करने को मैंने आदमी छोड़ दिए हैं कि वो ब्राह्मण कुल कलंक कौन था जिसने ब्याह कराया। विजय के साथ उसे भी जात से निकलवा के छोड़ूंगा। नाई धोबी वगैरह कोई उनके यहां काम ना करेगा। न हिम्मत भी सारी न राम, हारिए न हिम्मत भी सारी न राम। तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोच राम, तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोच राम। हारिए न हिम्मत भी सारिए न राम, दीपक लेके हाथ में अंधारा दिखा, और न आगे चांदना आप अंधेरे
पाप पुण्य और भले बुरे की वो ही करदा तो पुण्य और भले बुरे की वो ही करता तो ये सादे नहीं जगत हाथ के ये सादे नहीं जगत हाथ के तू क्या जाने मो जैसा जिसका काम पाता वैसे दाम जैसा जिसका काम पाता वैसे दाम तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम नहीं नहीं विजय अब दया के योग्य नहीं रहा उसने समाज के खिलाफ महापाप किया है हमारा फर्ज है कि हम फौरन हिंदू समाज के सामने उसकी करतूतों का भांडा फोड़ दें ताकि शर्म के मारे उस कुल्टा को लेकर देश से काला मुंह कर जाए देखो मकान का नक्शा पहुंचते ही बनवाना शुरू कर देंगे ये बैठने का कमरा ये सोने का ये दोनों तरफ बरामदा और ये बाग सब तो है लेकिन रसोई भी है कहीं ओ भूल गया तुम्हें खाना बनाने की लत है मुझे खाने की ठहरो अभी जगह निकालता हूं गाड़ी चली ही जा रही है अभी क्या कहां कलकत्ता कहां यूपी तुम्हारे दोस्त तुम्हें क्या कहा करते थे कौन जगदीश वो मुझे बागी कहा करता था और उसका कहना सच हुआ हाँ चोर को जेल होती है खूनी को फांसी और बागी को देश निकाला देश से न निकलते तो आजादी न मिलती सब छोड़ छाड़ कर मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं इसी आजादी के लिए आजादी जगदीश बाबू जैसे दोस्त की याद कभी दिल से जा सकती है एक दिन आएगा जब आपका दिल उनके लिए भटकने लगेगा अगर ऐसा हो तो वादा कीजिए आप जरूर वापस चले जाएंगे इसके लिए अगर मुझे त्यागना पड़े तो भी ये वादा मुझसे न किया जाएगा लेकिन जमुना इतना तुमसे कहता हूं मैं उस दिन की आस न छोड़ूंगा जब जगदीश समझ जाए और जिस तरह मुझसे मोहब्बत करता था उसी तरह तुमसे भी करे भगवान करे ऐसा ही हो सिखाया
दूर भगाते बेटोजे राजा बिटुआ मेरा मिठुआ मीठे बोले बोले जमुना जमुना भला बता तो सही पंडित जी ने मुन्ना के लिए कौन सा नाम ठीक समझा जरूर वही जो माँ ने दिया था है ना हाँ भाई तुम जीती मैं हारा आनंद जन्मपत्र से भी ऐसा ही नाम निकलता है जिसका पहला अक्षर आ हो सच ये जन्मपत्र है हाँ ओ माँ इतने से मुन्ने का इतना बड़ा जन्मपत्र वाह पंडित जी ने भाग तो इससे भी बड़ा बतलाया है कहा तो क्या बताया कहते हैं संन्यास लिया तो दुनिया मानेगी और संसार में रहा तो दीन दुखी देवता की तरह पूजेंगे पिताजी हो गया पास हो गया डॉक्टर के इम्तिहान में तुम अव्वल आए सच और नहीं तो क्या बेटा किसका है मेरा बहादुर बेटा सुनो आनंद अब तुम सर्जरी के काम में तजुर्बा हासिल करो ताकि हाथ सज जाए मैं भी यही चाहता था हमारे प्रिंसिपल साहब के एक दोस्त कलकत्ते के मशहूर सर्जन हैं। कलकत्ता क्या हर्ज है बाल बच्चे जीते रहो बेटा तुमने बचा लिया मेरे सर पे गिर जाता तो ना जाने क्या होता कहाँ जा रहे हो कलकत्ते वहीं रहते हो जी नहीं हम दरअसल यूपी में रहने लगे हैं रतनपुर में मैंने हाल ही में डॉक्टरी का इम्तिहान पास किया है और अब सर्जरी की खास तालीम लेने के लिए कलकत्ते जा रहा हूँ अच्छा यूपी में तुम बहुत दिनों से रहते हो जी हाँ मेरे पैदा होने से पहले ही पिताजी वहाँ चले गए थे भैया माफ करना बूढ़े आदमियों को गांव गोद पूछने की लत होती है तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है श्रीयुत विजय कुमार चौधरी तुम्हारे पिताजी तो जीवित है ना जी हाँ भगवान की कृपा से मेरे माता पिता दोनों जिंदा हैं ठीक तुम्हारे माता पिता बड़े भाग्यवान हैं कि उन्हें तुम जैसा पुत्र मिला बहुत रात हो गई अब सो जाना चाहिए आप भी कलकत्ते तशरीफ ले जा रहे हैं हाँ तीरथ गया था अब कचेरी खुलने वाली है सो घर जा रहा जी मेरे पिताजी भी 5 साल तीर्थ गए थे हाँ तुम्हारे पिताजी तीर्थ व्रत मानते हैं जी वो कब जाने वाले थे दरअसल माताजी उन्हें घसीट कर ले गई थी आप अकेले ही गए थे नहीं उनका तो स्वर्गवास हो चुका मेरी लड़की मेरे साथ थी
वो बराबर के जनाने दर्जे में है। तकलीफ न कीजिए, मैं आपका बिस्तर बिछा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद बिछा लूंगा। धर्जी क्या है, आप मेरे पिताजी के बराबर हैं, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। खुश रहो बेटा, जीते रहो, तुम्हारे माता पिता तुमसे सुख पाए। बेटा अब तुम भी सो जाओ। रोशनी बुझा दूं? हाँ हाँ बुझा दो। खिड़की बंद कर दूं, कहीं आपको ठंड न लग जाए। पर तुम्हें तकलीफ तो ना होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बगल वाले डिब्बे में आपके पिताजी के साथ सफर कर रहा हूँ। ओह, मुझे पिताजी के पास ले चलिए। क्या मामला है? ओह, समझा। आप हैं? जेल से कब छूटे? पुराना मुजरिम है। जी हाँ। पिताजी, पिताजी। क्या हुआ, क्या बात थी? घबराइए मत, चलिए अपने कंपार्टमेंट में चले, वहाँ सब हाल बता दूंगा। अगर तुम ना होते तो वो बदमाश जरूर सीता का गला घोट देता। तुमने जो हम पे एहसान किया है उसे। जी कुछ नहीं, अब आराम कीजिए, एक बज चुका है, आपको नींद आ रही होगी। हाँ हाँ सो जाओ बेटी, मैं भी सोता हूँ। सर की तरफ। तुम इस तरफ पाँव कर लो बेटी, तब आपके सर की तरफ जो हो जाएंगे। तो क्या किया जाए, लीजिए मैं सर इस तरफ की लेता हूँ। अब तो ठीक है ना? है ना, क्या लिखा है? सब खैरियत है, रास्ते में जगदीश से उसकी मुलाकात हो गई। ओह, तब? जगदीश अब कलकत्ते का एक बड़ा वकील है, उसने आनंद को अपने घर बुलाया है,
शायद उसे मालूम नहीं कि आनंद दरअसल कौन है। और क्या जब है मालूम भी हो गया हो तो भी मैं डरती हूं कि नहीं। डरो मत, हमें सदा ये आशा रही है कि जगदीश एक दिन समझ जाएगा। शायद वो दिन आ गया। क्या उस मामले के बारे में आनंद को लिखोगे? नहीं, जिधर किस्मत ले जाए उसे जाने दो, हम बीच में न पड़ेंगे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा बच्चा मेरे पाप का फल न भोगे। तुमने कोई पाप नहीं किया, हम बागी सही लेकिन इंसाफ और सच हमारे साथ है। जमुना, कम से कम तुम्हें तो ये बात कभी न भूलनी चाहिए। माँ दे दे री दलिया, दे दे री दलिया, बीनू के मैं बन की गलिया, हाँ बीनू के मैं बन की गलिया। कौन आया है इस वक्त? हाँ साहब, जगदीश बाबू हैं? अभी कचहरी से नहीं आए। ओह अच्छा, तब तो बाबू साहब से कुछ काम है? कोई खास काम तो नहीं। हाँ, सीता देवी है अंदर? हाँ है अंदर, वो इकली बाहर नहीं जाती। नहीं नहीं, ये तो ठीक है। मेरा मतलब है कि मैं उनसे मिल सकता हूँ? बिटिया एरो गैरों से नहीं मिलती। ओह ठीक है, पर्दा करती हैं। अच्छा तब तो आनंद बाबू आइए, चल क्यों दिए? नहीं मगर आइए आइए। आपके पिताजी तो घर पे है नहीं। अंदर चलिए, पिताजी आते ही होंगे। लेकिन मुझे अभी मालूम हुआ कि आप किसी से मिलती नहीं, पर्दा करती हैं। गणेश दादा हमारे लिए चाय भेज दो। माफ कीजिए, गणेश दादा आपको जानते नहीं हैं। ये दादाजी के वक्त से हमारे यहाँ काम करते हैं। मैं इतनी सी थी तब से इन्होंने मुझे पाला है। ओह आपको बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ, और झिड़कते भी बहुत हैं, और पिताजी से मेरी हिमायत में लड़ते भी बहुत हैं, और मैं तो मैं पिताजी को भी डांट देते हैं। हाँ सीता ओ आनंद तुम आ गए?
बड़ा अच्छा। गणेश दादा आपको जानते नहीं तो उल्टे पाँव लौटा रहे थे, वो तो मैं पहुंच गई। हाँ ठीक किया, ठीक। अच्छा अब जाके ये साज उतार दूं, तुम दोनों इतने चाय पियो, मैं भी आता हूं। पिताजी मुझे देखकर कुछ खुश नहीं हुए। वाह क्यों नहीं, बोलिए कई चम्मच चीनी? बिल्कुल नहीं। तब तो पिताजी आपसे बहुत खुश होंगे, वो भी चीनी बिल्कुल नहीं डालते, मुझसे बहुत नाराज रहते हैं क्योंकि मैं एक दो तीन चार पाँच साथ पीती हूँ। बाबूजी वो कौन है? कौन? वो आनंद है, उसी ने सीता को रेलगाड़ी में डाकू से बचाया था। अच्छा तभी बिटिया ने इतनी आवभगत की, मुझे लड़का अच्छा लगे है। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा। भाई तुम जानते हो हमारा पुराना घराना है, हमारे यहाँ की स्त्रियां आज तक पर्दे में रही है, ये बात लोग सुनेंगे तो बदनामी होगी या नहीं? बाबूजी तुम तो जानो हो अब पर्दा कहाँ रहा, और लड़का जिसने बिटिया की जान बचाई कभी कभी हमारे यहाँ मिलने आ जाए तो कौन बदनाम करेगा? भाई तुम नहीं समझते। ना मैंने ऐसे ही उम्र गंवाई, तुम इतने से थे जब मैं दुनिया देख चुका था। बाबू साहब बस साथ कलकत्ते में तुम्हें कितने दिन रहना होगा? काम तो करीब 3 महीने में खत्म हो जाएगा, मुमकिन है कुछ ज्यादा भी रहना पड़े। हाँ अच्छा अच्छा तो आप इजाजत दीजिए, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। नहीं नहीं जाओगे? अच्छा फिर कब आइएगा? फिर हाँ हाँ कभी कभी हो जाया करो। बहुत अच्छा नमस्ते। कोई भूल हो गई? क्या कह रही है पगली, आनंद अच्छा लड़का है, हमारे यहाँ क्यों ना आए? तूने ठीक किया उसे आने के लिए कह दिया।
आँखियाँ दरस भरी पलन लगे आँखियाँ याद परी बतिया